वीडियो क्विज टेस्ट में वही सवाल आपसे पूछे जाएंगे जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आने की संभावना है। नमस्कार, जीरो से जीनियस तक की इस स्पेशल हिस्ट्री वीडियो क्विज टेस्ट में स्वागत है आपका। हम इस वीडियो क्विज टेस्ट में आपसे पूछेंगे हिस्ट्री के 15 इम्पोर्टेंट सवाल और उसके जवाब भी बताएंगे, साथ में डिटेल्स भी दिए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, जीएसटी सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ? आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय। ज्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। तो आंसर सोचने के लिए समय शुरू होते हैं अब। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, असम। क्वेश्चन हार्ट जो आपको सवाल के बारे में बताएंगे, यदि आपको लगे कि क्वेश्चन हार्ट हमें देखना चाहिए तो आप वीडियो को वहीं रोक सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेकर बाद में भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, होम रूल आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर तीन, आपको डिटेल को देखना चाहिए और आपसे एक सवाल पूछा जाए कि ये होम रूल आंदोलन कब शुरू किया गया, तो आपको आंसर बताना होगा 1916 में। ओके, देख लो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस राष्ट्रीय नेता ने अंडमान सेलुलर जेलों की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखा था? बहुत चर्चा में है ये सवाल, आना चाहिए आपके एग्जाम में, ध्यान से देखिए। इनसे कंपैरिजन किया था किसी बड़े नेता ने। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वीर सावरकर ने। क्वेश्चन हार्ट को आपको जरूर देखना चाहिए कि वीर सावरकर थे क्या, आप देख लो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके, क्वेश्चन नंबर फोर, निम्न में से किस घटना के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल सूबा में निर्णायक भूमिका निभाने लगी? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बक्सर का युद्ध 1764 के बाद। देख लो आपसे और बाकी जो आप देख रहे हो वे सभी सवाल हैं, अच्छे सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली कोठी कहां स्थापित की? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूरत। और कब? 1611 ईस्वी में। ओके, क्वेश्चन नंबर सिक्स, गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन हो किसने लिखा था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नरसी मेहता। और आप जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप अपने फोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके सिलेबस पे वर्क करता है। और आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करे हैं तो लाइक बटन पर क्लिक करके लाइक भी कर दीजिए, धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर सात, किसने भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र का संपादन शुरू किया था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माफ करिएगा, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जे ए हिक्की। कंफ्यूज नहीं होना है, राइट आंसर होगा जे ए हिक्की। और क्वेश्चन हार्ट को भी आप देखकर समझ सकते हो, 1780 ईस्वी में प्रकाशित
बंगाली गजट नामक प्रथम अखबार प्रकाशित किया गया था। अब ये इम्पोर्टेंट है जी, कंफ्यूज नहीं होना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, JA हिक्की। क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से किस नेता की हत्या नहीं की गई थी? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना की हत्या नहीं की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से किसको भारत में अंग्रेजी शिक्षा को शुरू करने का श्रेय जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड मैकॉले। क्वेश्चन नंबर 10। किस वर्ष नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1930 में। क्वेश्चन नंबर 11। कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया? कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1946 में। क्वेश्चन 8 आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12। गोलमेज सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भविष्य के प्रशासनिक सुधार। और 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, कहाँ हुआ था? लंदन में। कब कब? पहला 1930, दूसरा 1931 और तीसरा 1932। क्वेश्चन नंबर 13। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को कब गिरफ्तार किया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 9 अगस्त 1942 को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। होम रूल आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। बेलग्राम जो कर्नाटक में था। क्वेश्चन नंबर 15 है, स्वतंत्रता के पश्चात किस राज्य में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी, जहां पे अभी कांग्रेस की सरकार है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केरल, 1957 ईस्वी में। क्वेश्चन 4 आपके लिए एक सवाल है, यदि आप राइट आंसर बता सकते हैं तो आपको सिंपली कमेंट बॉक्स में जाना होगा, वहां लिखना होगा Q4U और इसके राइट आंसर। 1857 का विद्रोह किसके द्वारा शुरू किया गया था? क्या आप राइट आंसर गेस कर सकते हैं? यदि हाँ तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां पे लिखिए Q4U और इसके राइट आंसर। वीडियो के सभी सवाल आपके एग्जाम में आने लायक हैं, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक भी करिए, अपने मित्रजनों में शेयर भी करिए, और यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके आप और भी हिस्ट्री के वीडियोज को देख सकते हैं। वन लाइनर के एपिसोड चल रहा है, जिसे आप यदि रेगुलर देखते हैं तो आपके पढ़े गए सवालों को पुनः रिवीजन हो जाएगा, जिससे आप में कॉन्फिडेंस आएगा और जीके जीएस और भी अच्छे हो जाएंगे। हमेशा की तरह फिर आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि आप कोचिंग स्कूल ट्यूशन सेल्फ स्टडी जो करते हैं करिए, साथ में जो हमारे डेली वीडियो अपलोड होता है उसे आप अवश्य देखिए। यहाँ से भी सवाल आपके एग्जाम में आते हैं, चाहे आपका एग्जाम कोई भी हो, रेलवे, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, बैंकिंग, आपका टेट, सीटेट, कुछ भी, कोई भी एग्जाम हो, हमारे वीडियो से आपके एग्जाम में सवाल आते हैं। और आप कोचिंग स्कूल ट्यूशन सेल्फ स्टडी के साथ साथ हमारे वीडियो को देखिए। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।